हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, ये अमूल का पनीर है। और यहाँ पर दो बड़े टमाटर कट कर लिए हैं, एक शिमला मिर्च मैंने ऐसे चौकोर में कट कर लिया है, और प्याज लिए हैं दो बड़े, थोड़े से कैश्यू नट लिए हैं, तीन हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और गरम मसाले लिए हैं थोड़े से खड़े। इसमें जावित्री, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च है, और जीरा लिया है, और ये चॉप जिंजर लिया है। तो सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले टमाटर और ये कैश्यू नट और ये अदरक और लहसुन, अब इनको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम ऑनियन का भी पेस्ट बना लेंगे, ग्रीन चिली और ये खड़े मसाले, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हमें थोड़ा सा घी डालूंगी। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम क्यूब्स में कट करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमें सिर्फ 5 मिनट तक हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। फिर हम इसी कढ़ाई में कैप्सिकम को भी भून लेंगे। पनीर भून चुका है, अब मैं इसको ऑफ करूंगी। ये देखिए पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसी पैन में हम ये कैप्सिकम को भी फ्राई कर लेंगे। कैप्सिकम भी फ्राई हो गया है, अब मैं इनको निकालूंगी। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा फिर से घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। घी से बनाने में क्या होता है, पनीर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हमें इस तरह से कटोरी ले लेना है, और इसमें हम सारे मसाले निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको इस तरह से पानी डाल के घोल लेंगे। अब हम इस पेस्ट को थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डालेंगे, और इस ग्रेवी को आप बनाकर स्टोर कर सकते हो, और आप कभी भी जब मसाले की सब्जी बनाना चाहो इसे ऐड कर सकते हो। इसको भी थोड़ी देर भून लूंगी। अब हम पैन में घी डालेंगे। हम इसमें ये प्याज का मसाला भून लेंगे। ये जो ग्रेवी मैंने तैयार की है, इसको आप फ्रीजर में रख के कभी भी जब आपको कुछ भी मसाले की सब्जी बनाना है उसमें आप यूज कर सकते हो। इसी तरह मैं बना के रख लेती हूँ, और जब भी हमें कुछ सब्जी बनानी होती है आप इसको निकालिए फ्रीजर से, और मसाले की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हो, इजीली बन जाती है। प्याज के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर। अब कैप्सिकम ऐड करेंगे। अब हम कैप्सिकम को अच्छे से पका लेंगे। अब हम पनीर को भी डाल देंगे। जैसे आपके पास ग्रेवी रखी हुई है तो आप इस तरह से बनाइए। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर मैं उसमें ग्रेवी ऐड कर दूंगी। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा 1 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसमें ये ग्रेवी ऐड कर देंगे। ये देखिए कढ़ाई पनीर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको बस 2 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, और ये करी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसे आप जीरा राइस के साथ या फिर पूरी या चपाती के साथ, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।